इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज ने शादी कर ली। दिल्ली के द्वारका में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अपराध की दुनिया की ये दो बड़े चेहरे शादी के बंधन में बंध गए। हैरानी की बात यह रही कि इस शादी के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की पेरोल दी गई। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मैडम मिंज की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो तक तैनात किए गए। यही नहीं, ड्रोन से पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी गई। और इस कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी नाम से मशहूर लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज ने साथ फेरे लिए। इस शादी की एक तस्वीर भी सामने आई और उस तस्वीर में दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में दोनों शादी के बंधन में बंधते दिखाई दिए। इस तस्वीर में दुल्हन अनुराधा चौधरी सुर्ख लाल जोड़े में नजर आई, जबकि दूल्हा काला जठेड़ी कुर्ते पैजामे में दिखाई दिया। उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी भी दिखी। वहां से आए एक वीडियो में शादी के बाद काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी अपने परिवार के लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दिए। भारी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से सीधे बैंक्वेट हॉल में पहुंचा, जहां पर उसने कपड़े बदले और फिर वो स्टेज पर जाकर कुछ देर के लिए अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा चौधरी के साथ जाकर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद दोनों शादी के मंडप में पहुंच गए, जहां उसने अनुराधा चौधरी को सिंदूर लगाया। इस शादी के लिए काला जठेड़ी को कोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यानी 6 घंटे की कस्टडी पेरोल मिली थी। इसी वजह से शाम 4 बजे से पहले ही सारी रस्में पूरी की गईं। क्योंकि शादी की तमाम रस्में पूरी होने के बाद उसे एक बार फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की इस शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही पहुंचे, लेकिन इस शादी में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि वहां आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस के करीब 250 जवान तैनात किए गए। शादी में आए मेहमानों के साथ गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की हिफाजत के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। हर मेहमान को एक बार कोड के जरिए शादी समारोह में एंट्री कराई गई। सुबह करीब 9 बजे खुद अनुराधा चौधरी कार चलाकर मैरिज हॉल पहुंची। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि वो वहां तैनात पुलिस के जवानों के साथ मिलकर शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की लिस्ट तक चेक करती नजर आई। करीब 10:15 बजे तिहाड़ जेल से काला जठेड़ी भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच शादी के लिए बैंक्वेट हॉल पहुंचा। गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर इस वक्त जेल वैन यहां पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देखेंगे भारी पुलिस का जो सुरक्षा दस्ता है वो यहां पर है। काला जठेड़ी जिस पुलिस वैन में बैठा था उसके आगे पीछे पुलिस की कई गाड़ियां चलती दिखाई दी। दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद ये शादी समारोह स्थल तिहाड़ जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के दुश्मनों की लिस्ट को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। इन सबके बीच लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में वो अपने हाथों पर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के नाम की मेहंदी रचाती दिखाई दी। ये वीडियो शादी के एक दिन पहले का बताया गया। और इस वीडियो में अनुराधा चौधरी कुर्सी पर बैठकर हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाती नजर आईं। जो वीडियो सामने आया उसमें 3 से 4 लोग उसे मेहंदी लगाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां उसके परिवार के कुछ लोग भी खड़े रहे। जिस जगह पर शादी से पहले अनुराधा चौधरी बैठकर मेहंदी लगवाती रही उस जगह को अच्छी तरह से सजाया गया था। वहां सजावट के साथ पीले रंग के फूलों से मेहंदी भी लिखा नजर आया। काफी देर तक अनुराधा चौधरी को मेहंदी लगाने की रस्म चलती रही। मेहंदी लगवाने के बाद की एक तस्वीर भी सामने आई, उसमें अनुराधा चौधरी के एक हाथ पर मेहंदी से संदीप लिखा दिखाई दिया, जबकि दूसरे हाथ पर अनुराधा चौधरी लिखा नजर आया। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप है और इसीलिए रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी ने अपने हाथों पर संदीप के नाम की मेहंदी रचाई। अगले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी ने शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक गृह प्रवेश की रस्मों के लिए एक बार फिर काला जठेड़ी को हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गाँव ले जाया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी से अनुराधा चौधरी की ये दूसरी शादी है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की पहली मुलाकात मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी। उस दौरान दोनों पुलिस से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर छिपते फिर रहे थे और उसी दौरान उनकी दोस्ती हुई। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बाद में काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के बीच प्यार हो गया। हालांकि दोनों को पुलिस ने जुलाई 2021 में एक साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि दोनों 9 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि काला जठेड़ी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और उस पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हत्या और जबरन वसूली समेत 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी करने वाली अनुराधा चौधरी का नाम भी अपराध की दुनिया में कुछ कम नहीं।
जानकारी के मुताबिक अनुराधा चौधरी राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने दीपक मिंज नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी। दीपक मिंज की पत्नी के नाते ही अनुराधा चौधरी को मैडम मिंज का नाम मिला। शादी के बाद अनुराधा अपने पति के साथ मिलकर शेयर मार्केट में पैसे लगाने लगी। उसी दौरान उस पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप लगे। बाद में उसका नाम कई अपराधों से जुड़ा। दावा किया गया कि इसी वजह से उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि उसी दौरान वो लॉरेंस गैग के संपर्क में आई थी।